यस बेटे, नेक्स्ट रेशियो वी हैव टोटल एसेट टू डेट रेशियो. टोटल एसेट टू डेट रेशियो फॉर द फॉर्मूला टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट. एंड वी नो दैट टोटल एसेट्स इंक्लूड वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, राइट बेटा. डेट इट इज टोटल लॉन्ग टर्म डेट. एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ये सब चीज़ें हम फर्स्ट रेशो में क्लियर कर चुके हैं. टोटल एसेट टू डेट, टू फैक्टर्स, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, डेट इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, राइट बेटा. तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या इंक्लूड होता है, वो हमने डेट इक्विटी रेशो में क्लियर किया हुआ है, राइट बेटा. आप उसको देख सकते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? सिग्निफिकेंस बेटे, ये रेशो क्या बताती है हमें? इट दिस रेशो टेल अस अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है ना. क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या ऑब्जेक्टिव बेटे? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, कितने आपके टोटल एसेट्स इंटरप्राइज के हैं वो फाइनेंस बाय द लॉन्ग टर्म डेट इट इज देयर. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हायर द रेशो मोर और लार्जर सेफ्टी सेफ्टी मार्जिन टू लेंडर्स, ठीक है ना. कि जितनी ज़्यादा रेशो होगी बेटे, उतना ही सेफ्टी जो है अपने लेंडर्स के लिए है, डेट विल बी मोर सेफर. और लोअर अगर रेशो होती है, लोअर द रेशो इट रिप्रेजेंट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस. सिंपल है बेटे. तो टोटल एसेट टू डेट रेशो फॉर्मूला टोटल एसेट ओवर डेट. टोटल एसेट में क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स. डेट का मतलब यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इंक्लूड है बेटा. इसका सिग्निफिकेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज ए प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, दैट हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म डेट. मोर द रेशो, लार्जर द रेशो, इट विल बी मोर सेफ्टी टू द लैंडर्स. लोअर द रेशो, इट रिप्रेजेंट्स अ रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. सो फॉर्मूला हमने लिख लिया, सिग्निफिकेंस कर लिया. इसका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड डेट रेशो, इट इज डिस्क्राइब बाय द टोटल एसेट टू डेट रेशो. क्लियर है बच्चे. इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? इन द प्योर रेशो, ठीक है. प्योर रेशो में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, वो प्योर रेशो हो जाएगी. देन नेक्स्ट वी हैव, इट इज अबाउट द प्रोप्राइटरी रेशो. प्रोप्राइटरी रेशो बेटे, इसका एक और नाम है शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी फंड रेशो. किसी भी नाम से आ जाए, इसका मीनिंग सेम रहेगा बच्चे. नाउ दिस रेशो, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स. दो के बीच में आपका रिलेशनशिप है. इसका मतलब फॉर्मूला फिर हमारा क्या हुआ बच्चे? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, SHF, शेयर होल्डर्स फंड. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? प्रोप्राइटरी रेशियो. क्लियर है बच्चे. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर्स फंड रेशियो? इट इज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ
टोटल एसेट फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है बेटा, कहते शेयर होल्डर फंड रेशो में क्या बताती है, इसका पर्पस क्या है बेटे? बिकॉज इट टेल अस और इट इज टू मेजर द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय शेयर होल्डर्स फंड। जैसे ऊपर हमने किया था कि टोटल एसेट्स आर फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म डेट, ऐसे यहाँ पे क्या है, टोटल एसेट्स आर फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स फंड। नाउ व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स? शेयर होल्डर फंड इंक्लूड इट इज इक्विटी ओनली। हमने डेट इक्विटी रेशो में क्या हुआ बच्चे, जिसमें आपकी लाइबिलिटी अप्रोच एसेट अप्रोच दोनों हमने डिस्कस की हुई है, इट इज सेम। देन टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस। तो इन चीज़ों को लेके हुए आपने क्या निकालना है बच्चे, प्रोप्राइटरीज रेशो निकालनी है। देन नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको आप कैपिटल लेटर ICR इससे भी डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बच्चे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे, दैट हाउ मेनी टाइम्स योर फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस दे आर कवर्ड बाय प्रॉफिट्स अवेलेबल बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैन बी मेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसीलिए इसको डेट सर्विस रेशो भी बोलते हैं, इसका नाम डेट सर्विस रेशो भी है। क्लियर है बच्चे? तो इन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, व्हेन यू पुट दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसको आप टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे, है ना? एक्सप्रेशन क्या है इसका, इन टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स फिक्स चार्जेस कैन बी मेट फ्रॉम द प्रॉफिट अवेलेबल बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो बेटे दिस वी हैव डिस्कस ऑल द थ्री रेशोज, एक हमने पहले एक कर ली थी, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए और भी अच्छे से इसकी। तो आई जस्ट टेक टू क्वेश्चंस हैविंग द सेम रेशियोज। फर्स्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate first debt to equity ratio, number two total assets to debt ratio, number three proprietary ratio. So these three ratios we have to calculate. What is given? It is there long term borrowings 150,000 LTB long term borrowings, current liabilities given 1 lakh, then we have long term provisions 50,000, non-current assets
it is 4 lakh. Value of current assets 2 lakh. Now this is the information you need to calculate these three ratios. Now solution of this beta, we have given long term borrowing, we have given current liability, long term provision, non current asset, current asset. Nikalna kya beta hame? Debt to equity ratio, total asset to debt ratio and proprietary ratio. तो आप देखिए फर्स्ट हम निकालेंगे बच्चे डेट टू इक्विटी रेशो. इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? डेट ओवर इक्विटी. तो पहले हमें डेट की वैल्यू चाहिए. आप देखिए डेट की वैल्यू गिवन है आपको. एक तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ना, दोनों लेंगे तो क्या आएगा बच्चे? डेट आ जाएगा. लॉन्ग टर्म borrowings plus long term provisions को add करने से क्या आएगा बच्चे? value of debt आएगी. values put करो तो long term borrowings हमारे पास कितनी है given? 1,50,000. long term provisions कितनी दी हुई है बच्चे? 50,000. तो value of debt कितना आया? 2 lakh. ये एक information निकाली आपने, डेट इज इक्वल टू 2 lakh. नाउ इक्विटी, वी नो इक्विटी इज इक्वल टू टोटल, जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग देखो हम कैसे निकाल सकते हैं. टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट माइनस करंट लाइबिलिटी. अगर ये फॉर्मूला लगाएं बेटे हमारे पास क्या आएगा? इक्विटी आ जाएगा. अब आप देखिए टोटल एसेट्स के लिए हमें क्या गिवन है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट 1,50,000. ये हमने निकाला बच्चे डेट की वैल्यू. लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 lakh निकालें. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 2 lakh माइनस करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी आप देखिए इट इज गिवन 1 lakh. नॉन करंट एसेट्स 6 lakh हो गए बटे 4 plus 2 6 lakh. टोटल एसेट्स माइनस 3 lakh. तो हमारे पास इक्विटी कितनी आ गई? 3 lakh. ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन निकाली और वैल्यूज पुट कर दो. डेट इज इक्वल टू 2 lakh, इक्विटी वी हैव कैलकुलेटेड 3 lakh. तो आपके पास क्या रिजल्ट आया बच्चे? इसको सॉल्व करोगे 0.67:1. This is your answer first. Clear? Then second ratio we have total asset to debt ratio. Formula iska total assets divided by debt. Debt humne nikal rahi hai already upar hai na. Total assets humare paas wo bhi nikle hue hain. तो सिंपल वैल्यूज पुट करें. टोटल एसेट्स इट इज 6 lakh ऑलरेडी कैलकुलेटेड. डेट वी हैव कैलकुलेटेड वर्थ रुपीज 2 lakh. तो रिजल्ट क्या है बच्चे? 3:1. रिजल्ट क्या है? 3:1. टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट. टोटल एसेट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड 6 lakh, डेट इट इज 2 lakh, 3:1. लास्ट हमारे पास क्या बचे? प्रोप्राइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी. इक्विटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी आई थी. इक्विटी इज इक्वल टू 3 lakh. तो हम लिख सकते हैं 3 lakh. टोटल एसेट्स इन द प्रीवियस रेशो 6 lakh वी हैव कैलकुलेटेड. सी 6 lakh टोटल एसेट्स. तो आपके पास क्या है बच्चे? 0.5:1. ये आपका थर्ड रेशो का रिजल्ट है, प्रोप्राइटरी रेशो. टोटल एसेट टू डेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंसी रेशोज, जिसमें आपकी एक रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो रहती है बेटे. वो हम करेंगे अभी. लास्ट ICR, उसमें भी आपका एक प्रॉब्लम लेंगे हम. अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली थी
So I'm having one question with me to find out ICR. Given information है हमारे पास उसमें कि profit after interest and tax given 2,10,000 rate of income tax it is 30%. Then we have given 10% debentures 1,00,000. Then it is 8% public deposit 2,50,000. तो ये बेटे प्रॉब्लम है, इसका हम सोल्यूशन अगर करें तो कैसे करेंगे? तो आप देखिए कि हमारे पास पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. ठीक है बेटा, ये हमें दिया हुआ है. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि टैक्स रेट जो है 30% है. इसका मतलब टोटल अगर आपके अमाउंट प्रॉफिट की 100 है, 30 टैक्स निकाल के 70 पे क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 70 देन बिफोर टैक्स इट मस्ट बी 100. ठीक है, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ बेटे 2,10,000 देन व्हाट विल बी द अमाउंट बिफोर टैक्स. वैल्यूज पुट करेंगे आप, इट कम्स आउट 3,00,000 रुपीज. ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्लस इसमें क्या करना है बच्चे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्जेस हम ऐड करेंगे. लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10% डिबेंचर्स 1,00,000, इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा बच्चे, 10,000. इसका 8% निकालेंगे कितना आएगा बच्चे, इट विल बी 20,000. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30,000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 इंटरेस्ट, 3,30,000. दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्लियर है बच्चे, 3,00,000 प्लस इंटरेस्ट 30,000, 3,30,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वी हैव कैलकुलेटेड. 30,000 कम्स आउट, 10% डिबेंचर्स 10,000 इंटरेस्ट, 8% 2,50,000 का 20,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया बटे 3,30,000. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,30,000, ओवर इंटरेस्ट चार्जेस 30,000. सो व्हाट इज द रिजल्ट बच्चे, इट विल बी 11 times. That means 11 times we can make payment of interest out of profit available before interest and tax. So keep on practicing the number of questions. Thank you. Have a nice day.